अच्छा मुझे ये बताएं कि इस प्लेस में हम यहाँ पर आए हैं, देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहे हैं और हर बंदा जो है सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से डिस्कशन कर रहा है और मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, इसकी क्या रीज़न क्या है, लोग इसी को क्यों लेकर चल रहे हैं, मुझे बताएं ज़रा। इनको टॉपिक चाहिए कोई गर्म, मिल गया क्रिकेट लगा दो क्रिकेट लगा लेंगे, कोई अभिनंदन को गिरा दो अभिनंदन पर शुरू हो जाएंगे, टॉपिक चाहिए जस्ट हॉट टॉपिक, सॉल्यूशंस नहीं कोई निकालेंगे, मसले दे दो मसले वो डिस्कस कर लेंगे लेकिन सॉल्यूशंस इनके पास नहीं होंगे, जस्ट इंडिया पाकिस्तान जो है जब से पाकिस्तान और इंडिया बना है तब से एक मसला है तो ये हमेशा से डिस्कस हो रहा है, जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा डिस्कस होता रहेगा। मतलब रीज़न ये है कि सिर्फ व्यूज़ के चक्रों में कोई भी टॉपिक आ गया तो कर लिया, लेकिन ये नहीं देख रहे कि क्या आया इंटरव्यू में जो डिस्कशन की जा रही है वो ऐसी डिस्कशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो किसको डिग्रेड कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे, इन चीज़ों के वाले से क्या कहती। बिल्कुल बिल्कुल ये देखना चाहिए क्योंकि अक्सर जो है ये खाम खा कर टॉपिक उठा के इंतशार फैला रहे होते हैं, हालाँकि वो भी ऐसी बात नहीं होती है, वो जब यही टॉपिक्स उठा के बात कर रहे होते हैं मसाले लगा के तब वो एक इशू क्रिएट होता है, वरना पहले वो इशू होते नहीं है, कई बार ऐसे मामला होते हैं तो वो मसाला लगा रहे होते हैं खाम खा में लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे होते हैं जो कि गलत बात है। मतलब आप ये समझती हैं कि इस तरह के टॉपिक से हमारे जो हमसाए मुल्क हैं उनकी आपस में जो है वो खिलाफ वर्जी हो सकती है, मतलब जो जो आपने लफ्ज़ बोला कि मतलब एक दूसरे के दिमाग ख़राब करने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मतलब के शुरू से बुक्स में पढ़ते आ रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया उनकी जंगें होती हैं, पाकिस्तान ये इंडिया वो, हमने ये किया उन्होंने वो किया, लेकिन मेरे स्टिल कभी इंडिया वालों के लिए ना कभी खलिश नहीं आई थी दिमाग में दिल में, ना ही कभी मैंने ये सोचा था कि कभी मुझे कोई इंडियन दिखे और मैं उसे कतरा के निकल जाऊँगी, लेकिन अब मैं इतना इंतशार देख चुकी हूँ कि मैं जो है ना दिल से कतराती हूँ कि मुझे कोई इंडियन दिखे तो मैं कन्नी कर जाऊँगी, भाई नहीं क्या पता इसके दिल में मेरे लिए नफरत हो एज अ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ इसलिए, तो ये इफ़ेक्ट किया है ये इस तरह के मिर्च मसाले लगाने वालों ने। क्या कहती हैं क्या होना चाहिए, किस तरीके के टॉपिक्स होने चाहिए जिससे हम दोनों हमसाए मुल्क के दिलों में प्यार वो है वो जागे, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो, रादर देन कि इस तरह के टॉपिक्स को मेंशन किया जाए डिस्कस किया जाए ताकि लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टॉपिक होगा जिस पर मोहब्बत पैदा हो सकती क्योंकि ऑलरेडी लोगों के दिलों में इतने सारे नेगेटिव इमोशंस जाग चुके हैं, इतने सारे नेगेटिव इमोशंस भर चुके हैं कि कोई हम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिखाएंगे भी तो वो उसमें से भी नेगेटिव निकाल लेंगे, जैसे कि मैच ही देख लें, मैच अब दो हमारे टीम्स खेल रही होती हैं, ठीक है हमारे इमोशंस उसके साथ जुड़े होते हैं, आप इंजॉय करें, हार रहे हैं थोड़ा अफसोस कर लें, लेकिन किसी की ज़ातियात पे क्यों जा रहे हैं, पाकिस्तानी जो इंडियंस की ज़ातियात पे जा रहे होते हैं, इंडियंस जो है पाकिस्तानी की ज़ातियात पे आ रहे होते हैं, वो मैच साइड पर रहते हैं अपनी लड़ाइयाँ इनके सामने आ जाती हैं। तो क्या क्या एडवाइस क्या करना चाहेंगे आप, जितने भी ये न्यूज़ चैनल वाले हैं वेब न्यूज़ चैनल वाले, इनको क्या एडवाइस करना चाहिए? भाई कोई अल्लाह काम कर लो, ये ना करो पाकिस्तान इंडिया ये ना करो, जैसे कि एक इंतशार वाला ना मर्द औरत खाम खाम में कोई ना मेरे भाइयों को मुझसे कोई नफरत है ना मेरी बहनों को मेरे भाइयों से कोई नफरत है, खाम खाम मर्द औरत करके उनका भी दिल ख़राब किया हुआ है, पाकिस्तान इंडिया बोल के इनका भी दिल ख़राब किया हुआ है, ना बोलो पाकिस्तान इंडिया, बस बोल लो दुनिया में पाया जाने वाला एक मुल्क, अच्छा उनके साथ ऐसी तजारत हो रही है ठीक हो गया अच्छा हो गया ये ऐसे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, थैंक यू बंडल ऑफ थैंक्स। नाज़रीन आपने ये सुना कि जो भी यहाँ पे जितने भी वेब न्यूज़ चैनल वाले हैं वो हर बंदा इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है इंडिया पाकिस्तान, किस चक्रों में, सिर्फ इस चक्रों में कि जी यूट्यूब के ऊपर हमारे व्यूज़ आ जाएँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप टॉपिक ज़रूर डिस्कस करें लेकिन किसी को डिग्रेड मत करें, वो हमारे हमसाए हैं हमसाएदार हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको हमारी इज्जत करनी चाहिए, इस तरह प्यार बढ़ता है, ना कि इस तरह के टॉपिक डिस्कस किए जाएँ जिसकी वजह से एक दूसरे के दिलों में नफरतें पैदा हों। तो नाज़रीन आज का जो हमारा टॉपिक था इससे ये मालूम हुआ कि हमें डिस्कस ज़रूर करने चाहिए ऐसे टॉपिक जिसकी वजह से हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा की जाए ना कि नफरतें। नाज़रीन इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, आपका प्यारा होस्ट ज़ैन अली इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह नेहगेबान।